ब्रांड न्यू मैकबुक प्रो M2 जो 2 लाख रुपए का MRP 189 में मिल रहा है, आई एम सेलिंग द सेम फॉर 162। तो मैकबुक एयर M2 में रेंज अवेलेबल है मेरे पास 13 इंचेस में, 8 GB 512 GB 100% बैटरी हेल्थ, एक साल पुराना मशीन है, 85,000 में आके 1,10,000 में अंडर वारंटी है अगले साल तक, अनयूज पीस है बिल्कुल। उसको एडिटिंग करना चाहते हैं जिन लोग का मैसिव एडिटिंग है, जिन लोग 4K 8K के नीचे बात नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो जनरली जन्नत लगी यहाँ पे मेरे पास। दिस मशीन इज अवेलेबल फॉर लाइक अराउंड 85,000 to 90,000। एप्पल से कोटेशन लिया 50,000-60,000 रुपए का। दे हैव गॉट द लैपटॉप फिक्स्ड फॉर जस्ट 10,000 रुपीस। बहुत खुश हैं। और सो हाय गाइस, दिस इज सुनील, वेलकम टू जेनरॉन। आज है हम मैकफ्लेक्स के अंदर, दिस इज दी लैपटॉप शॉप ओनली डीलिंग विद एप्पल प्रोडक्ट्स। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी एप्पल के लैपटॉप्स है, एप्पल के ही ऑथराइज डीलर है देखा जाए तो। और मेरे साथ यहाँ पर है अलमान भाई, और ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। मिनिमम प्राइस अलमान भाई क्या लैपटॉप से शुरू हो जाता है? 15,000 से स्टार्टिंग है बड़े भाई मैकबुक प्रोज में। मैकबुक में अच्छे वेरिएंट स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ से आप लोग यूज करके लॉन्ग टर्म चला सकते हैं उस मशीन में। और सर क्या मैक्सिमम प्राइस पर चला जाता है? अब वो फिर ये रेंज बहुत वाइड है, आप यहाँ पे 2.5-3 लाख की भी बात करेंगे तो उस तरीके की मशीन्स मिल जाते हैं। लेटेस्ट वाले M2 Pro, M3 वगैरह जो आने वाले हैं वो सारे वेरिएंट्स पे रेंज थोड़ा वाइड है। ऑल्दो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काउंट करोगे तो अराउंड 35-40 वेरिएंट्स हैं ये पूरे सफर में, 15,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के बीच में। अच्छा, देयर अराउंड 35 लैपटॉप्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अरमान भाई ये सारे जो लैपटॉप्स हैं ये क्या है, कैसे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मतलब वारंटी के साथ अवेलेबल है? हाँ जी, मोस्ट ऑफ द मशीन क्या है, जी मोस्ट ऑफ द मशीन जो लेटेस्ट में आती है वो सील पैक भी आती है हमारे पास में, ओपन बॉक्स या डेमो वाले एसेट्स भी आते हैं जो एप्पल के होते हैं। अच्छा जी, और अगर सपोज किसी को यूज्ड में चाहिए तो वो तो बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अलमान भाई क्या शुरुआत करेंगे आज, मिनिमम लैपटॉप से शुरू करते हैं मिनिमम प्राइस बजट पे, और व्यूअर्स को दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जी जरूर सर। ओके सर बताइए सर। ओके सो ये स्टार्ट करेंगे हम MD313 करके एक वेरिएंट आता है मैकबुक प्रो में। ओके, नाउ दिस इज एप्पल का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जो मैंने ऑलमोस्ट मेरी सारी वीडियोस में लोगों को सजेस्ट किया है। ये मैकबुक इस बार 15,000 से स्टार्टिंग है, अपग्रेडेशन पॉसिबल होते हैं इसके अंदर। अगर आप एंट्री लेवल पे कुछ सीखना चाहते हैं, 4K मूवीज तक बनाना चाहते हैं, इनमें की मशीन अच्छी होती है। देन MD101 आती है जो 18,000 तक मिल जाती है। ओके, अभी नाउ दिस वन ये 2012 एडिशन है, बट एज पर द कंडीशन दिस इज स्क्रैचलेस ब्रांड न्यू, मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये कहीं से यूज किया हुआ है। क्या बात है सर। तो ये इन्वेंटरी के एसेट्स हैं, ये बिल्कुल नए नए होते हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों 18,000 में एप्पल के मैकबुक लेके जा सकती है। और इसी रेंज में लाइक ये तो मैकबुक प्रोज हो गए, अब इनके बाद रेटिनाज आते हैं जो 25,000 से स्टार्ट होते हैं, जो ऐसे दिखने वाले होते हैं, जो थोड़ा स्लिमर होते हैं कंपैरेटिवली। क्या बात, और स्पीड परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होता है इनका। क्या बजट प्राइस पे ऐसा दिया जाएगा? 25,000 से स्टार्टिंग है, गोज अप टिल 40,000 रुपीस, डिपेंड्स आप कितना जीबी वेरिएंट या कौन सा स्टोरेज वाला या कौन सा वेरिएंट स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, देन टॉकिंग अबाउट मैकबुक एयर, इनमें के मॉडल्स हैं जो इस बार 20,000 से मिलने वाले हैं आपको। क्या बात है सर। जिसमें 4 GB रैम स्टार्टिंग ओवरऑल एंट्री लाइनअप कॉन्फिगरेशन है, गोज अप टिल 2017 8 GB वेरिएंट, SSD अपग्रेडेबल है, प्रोसेसर इज गुड, i7 मिल जाते हैं इसमें कभी कभी, सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। एंड फॉर द अवेलेबिलिटी इस मशीन का MD313 101 का हमारे पास ऑलमोस्ट 20-25 यूनिट्स ऑन स्टॉक रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैकबुक एयर में आपको पूरी रेंजेस अवेलेबल है, 4 GB रैम वाले, 8 GB रैम वाले सारे अवेलेबल हैं। ओके, जो बेस वेरिएंट्स हैं। सो गाइज बहुत ही जबरदस्त होने वाला ये वीडियो, बिकॉज बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप्स अवेलेबल है। बजट प्राइस सर ने बता दिया है, 15,000 से शुरुआत है, और आप जा सकते हैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए। और सर बताइए, और सर क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अपने पास आफ्टर जस्ट आफ्टर दिस मैकबुक प्रोज में आते हैं, जो लोगों को पता होगा 2016 से USB-C वाले वेरिएंट्स आ गए थे जिनका लाइनअप मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो इस तरीके के मैकबुक्स अवेलेबल है जो ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड, इन गुड कंडीशन, ये नॉन टच बार वाला वेरियंट है, गोज फ्रॉम 38,000 to 45,000 रुपीज, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एवरीथिंग। अगर आप इसी में टच बार में जाएंगे या लेट्स से ईयर वाइज थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो दिस इज अ टच बार वेरिएंट जिसमें एक स्क्रीन टच एक स्ट्रिप आती थी, स्क्रीन टच फीचर आता है जी, ये 2000 टच बार। और ये सर क्या क्या बजट से शुरू हो जाएगा? ये टच बार वाला भी आपको 45,000 से स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, अच्छे वेरिएंट्स लाइक 2018 वाले 2019 वाले वेरिएंट्स मिल जाएंगे अभी करंटली अवेलेबल स्टॉक में। क्या बात है सर, क्या जी हाँ, टच बार में बेनिफिट ये है कि जो उसका ड्यूरेबिलिटी है ओवरऑल परफॉर्मेंस का एंड जो उसका कंट्रोल है वो कोई भी एप्लीकेशन पे इज आउटस्टैंडिंग टच बार में स्पेसिफिकली। यस सर, यस सर। गोइंग ऑन मैकबुक एयर्स का लाइनअप, M1 छाया हुआ है, M1 के साथ साथ इंटेल भी छाया हुआ है, M1 में बहुत सारे रेंज अपने पास, ठीक है, यूज्ड में है, ओपन बॉक्स में है। M1 में मेरे पास एक यूनिट है जो सिर्फ 1-1.5 महीना पुराना है,
ठीक है, जस्ट ओपन बॉक्स कैटेगरी 62,000 रुपीज में, 3 साइकिल काउंटर्स, जस्ट सील पैक मशीन है समझ लीजिए, अनयूज्ड, क्या बात है सर, विद एवरीथिंग, ये आपको एमआरपी से समझ लो 30-35,000 के करीब डिस्काउंट है, ये विद वारंटी के साथ मिल जाता है, कंप्लीट 1 ईयर वारंटी एप्पल से, और अच्छा एप्पल से डायरेक्ट, एप्पल से डायरेक्ट, इंटरनेशनली एप्पल, क्या बात है सर, क्या बात है। देन टॉकिंग अबाउट मैकबुक एयर्स, अगर आप उन मैकबुक एयर्स में देखेंगे तो जो लोअर एंट्री लेवल वाले वेरियंट होते हैं 2018-19 वाले, अब ये 37 और 40 की रेंज में आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, prices have been going down from this, और अभी coming to the latest generation 2020 वाले variants में i5 10th generation available है gold में, जिनका again price range 55,000, अब ये 512 GB SSD के साथ में होते हैं। अच्छा, तो ये easily मिलते नहीं है, fortunately ये machines अपने पास available हैं। क्या बात है, तो दोस्तों जरूर आइए MacFreaks के अंदर, बिकॉज बहुत ही बढ़िया बढ़िया मशीन्स अवेलेबल है विद एन गुड प्राइस ऑप्शन के साथ में, और जो लोग अवेलेबल है जी, जो लोग एडिटिंग करना चाहते हैं, जिन लोग का मैसिव एडिटिंग है, जो लोग 4K 8K के नीचे बात नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो जनरली जन्नत लगी यहाँ पे मेरे पास में। अपने पास i9 ऑक्टा कोर पे 32 GB रैम 1 TB SSD, ये बिल्कुल एप्पल से रिप्लेस होकर आया हुआ है, टॉप केस इसका ब्रांड न्यू है, जीरो साइकिल काउंट के साथ में, दिस मशीन इज अवेलेबल फॉर लाइक अराउंड 85,000-90,000 रुपीज, वी टॉक अबाउट 32 GB रैम, i7 हेक्सा कोर, देन वो 70,000-75,000 के रेंज में विद 32 GB रैम है, मिंट कंडीशन, जस्ट 7 साइकिल काउंट्स और 68 साइकिल काउंट्स, टॉकिंग अबाउट i9 16 GB एंड 500 GB स्टैंडर्ड वेरिएंट्स अवेलेबल है 70-75 के रेंज में मिल जाते हैं। क्या बात है सर, टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट सीरीज जो 16 इंचेस में आते थे i9 में i7 में, उसमें के भी मॉडल्स मिल जाएंगे आपको जो ब्रांड न्यू कंडीशन, आपको फील भी नहीं होगी सेकेंड हैंड में है, मतलब यूज वाइज एकदम से नए नए मशीन है। एंड अगर अपन यहाँ से थोड़ा और शिफ्ट होते हैं तो फिर ओपन बॉक्स कैटेगरी आती है, ठीक है, जो लोग थोड़ा बजट स्पेंड करना चाहते, अभी जो मैंने आपको मशीन दिखाई ये 15,000 से 75-80,000 की रेंज में थे, ठीक है, इसमें आपको 25-30 यूनिट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, हर वेरिएंट के हर साल के एक एक मॉडल आपको इसमें से सेलेक्ट करने मिल सकते हैं, और ये सारे वेरिएंट मार्केट प्राइस से सस्ते डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है, राइट, विद 45 डेज वारंटी आते हैं, जीएसटी इनवॉइसेस आती है, प्रॉपर कुछ भी रहेगा तो सर्विसेज देने के लिए बैठे, इन हाउस रिपेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट है सर, ग्रेट। एंड देन टॉकिंग अबाउट द M2 सीरीज जो लेटेस्ट वाले चल रहे, उनके अंदर भी मेरे पास 13 इंचेस टच बार में कुछ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, ओके, जो M2 में आते हैं, ऑल्सो वो जो टच बार नॉन टच बार के उसके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मतलब ये 2016 से लेके 2020 तक के सारे मॉडल्स अवेलेबल, क्या बात है सर, जो चाहिए वो आप आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल यूनिट्स अवेलेबल है एक ही कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें सब में अलग अलग सब डिफरेंट है, CTOs भी हैं जो कस्टमाइज करके बनवाए जाते हैं, उनमें भी मॉडल्स अवेलेबल है, और जो ऑफिशियली एप्पल ने लॉन्च किए थे उनमें के, इनफैक्ट ये वेरिएंट्स मेरे इतने खास हैं कि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ सील पैक यूनिट्स हैं जो मैंने अभी तक सेल नहीं किए हैं, जो मैंने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, जो मैं 2024 या 2025 में कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ। अच्छा, दीज आर द बेस्ट इंटेल मॉडल्स जो मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला, देन 12 इंचेस वाला, तो ये सेल के लिए है नहीं अभी, है बट एक जेन्युइन होता है, जो एक एंथुजियास्ट होता है ना जिसको एक मैकबुक इंटेल का सील पैक टच बार चाहिए, तो ये उनके लिए मशीन्स हैं। ओके, सो ये सारे तो हुए आपके मैकबुक प्रोज, मैकबुक एयर्स जो लेटेस्ट सीरीज से, ओल्डर से लेटेस्ट सारे 2020 सारे मैकबुक एयर्स कवर हो गए। अब अगर अपन बात करें M2 की, रीसेंट करंट रनिंग वेरियंट्स, तो मैकबुक एयर M2 में रेंज अवेलेबल है मेरे पास 13 इंचेस में 8 GB 512 GB 100% बैटरी हेल्थ, एक साल पुराना मशीन है, 85,000 में आ जाएगा, 512 GB SSD वेरिएंट है, मिंट कंडीशन में है, आई हैव गॉट 16 GB 256 GB जो एज गुड एज न्यू है, सील पैक बोल सकते हैं, इतना फ्रेश है ये देखिए, ओके, अनओपन्ड, इसके एक्सेसरीज भी खोले हुए नहीं है, रेयर एडिशन है, मार्केट में नहीं मिलेगा, बहुत कम यूजर्स के पास है, विद 67mm अडैप्टर है, 1,10,000 में अंडर वारंटी है अगले साल तक, अनयूज पीस है बिल्कुल, वो तो आप देख ही सकते हैं। देन कमिंग टू 15 इंचेस मैकबुक एयर M2s, देखिए ये वाला वेरिएंट है जो 70 डेज पुराना है, ऑल्दो सिर्फ 6 टाइम्स चार्ज हुआ है, साइकिल काउंट इज जस्ट 6, 100% बैटरी हेल्थ विद ओरिजिनल बॉक्स एवरीथिंग, ओके, M2 जो 2023 का लेटेस्ट मॉडल है, ऑल्सो मैकबुक एयर्स में M3 प्रोसेसर लॉन्च नहीं हुआ है, तो यही मॉडल्स हैं अभी करंट ईयर में रनिंग रहने वाले हैं, ओके, M2 में 2-3 ऑप्शंस है 15 इंचेस में, सील पैक भी अवेलेबल है, लाइक दिस इज इंटैक्ट, तो अगर आपको चाहिए तो सेम 8 GB 256 GB में, दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये हो गया मैकबुक एयर M2 के लेटेस्ट वाले मॉडल्स की बात, मैकबुक प्रो की बात की जाएगा सपोज, ओके, तो मैकबुक प्रो में वी हैव गॉट M1 फ्लैगशिप जो डेमो में भी है, यूज्ड में भी है, अब यूज्ड वाले 135,000 से स्टार्ट होते हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन में आएंगे विद बॉक्स एंड एवरीथिंग, अब इसमें मेरे पास 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक जो 1 महीना पुराना है जिसकी वारंटी ऑलमोस्ट 11 महीने तक है, दिस वन इज यूज्ड वन, दिस वन इज लाइक अ मंथ ओल्ड, एक और डेमो यूनिट अवेलेबल है जो पूरी एक साल की वारंटी के साथ आएगा, एप्पल का डेमो, ये रेंज जो प्राइस रेंज है 135 से 175 का ओवरऑल रेंज है मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो M1 प्रो का,
सिक्स इंचेस में. टॉकिंग अबाउट एम टू प्रोज जो एप्पल का रिसेंट करंट रनिंग मॉडल है, दिस इज अ सील पैक मैकबुक प्रो एम टू. इफ यू हैव अ लुक, दिस इज अ ब्रांड न्यू मैकबुक प्रो एम टू जो 2 लाख रुपए का एम आर पी 189 में मिल रहा है. आई एम सेलिंग द सेम फॉर 162. जिनको भी रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छा डिस्काउंट है. सील पैक यूनिट पे 2023 मैन्युफैक्चर्ड है, अगस्त में इंपोर्ट हुआ इंडिया में. ऑफिशियल इंडियन यूनिट सील पैक जिनको भी रिक्वायरमेंट है 162 में ये मशीन आके कलेक्ट कर सकते हैं. क्या बात है. तो दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन एप्पल प्रोडक्ट्स लैपटॉप्स मैक फ्रिक्स में आके आप बाय कर सकते हैं. और सर और भी चीज़ें हैं अपने पास. फॉर एग्जाम्पल मैकबुक जो लोग आई मैक यूजर्स हैं, जिन लोग को पता है कि एक आई मैक का ओवरऑल क्या क्या रहता है एडिटिंग एंड ऑल में, सो आई हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस इन आई मैक ऑल्सो. 2015 वाला अवेलेबल है. 2015 में दो मॉडल्स हैं मेरे पास, एक i7 भी है एक i5 भी है. 2017 भी है 2019 भी है. ठीक है. ये रेंजेस 70,000 से स्टार्ट हुए हैं, 1.5 लाख तक आके खत्म होते हैं विद 64GB रैम. ओके, तो 70,000 में प्राइस स्टार्ट होगी और 1.5 लाख तक प्राइस एंड होगी. सो गाइस यहाँ पे आके ये आई मैक के रेंज हो गए. अब जो लोग को मैक मिनीज चाहिए या एप्पल के एक्सेसरीज चाहिए, अब वी हैव गॉट रेंज फॉर दैट ऑल्सो. मैक मिनीज 12,000 से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. 2014 वाले 4GB रैम वाले दिखने में ऐसे होते हैं. 4GB रैम वाले आपको 12,000 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड द प्राइसेस गोज हायर अप टू 25,000 रुपीस जो बेस मैक मिनीज है उनके. अगर आप उन थोड़ा और 2018 या M1 में जाते हैं तो 30 से 35,000 तक के रेंज में जाएगा मैक. ग्रेट है सर, ग्रेट है फॉर दिस प्राइस के लिए. और जो लोग को कीबोर्ड या एक्सेसरीज चाहिए, हमारे पास सील्ड में, ओपन बॉक्स में, यूज्ड में, तीनों में अवेलेबल है. कीबोर्ड के माउस के अच्छे खासे पैक हम लोग बना के देते हैं. ऑफ कोर्स एप्पल स्टोर से डिस्काउंटेड होता है. कंडीशन इज एज गुड एज न्यू. ये तो खैर बहुत लेटेस्ट सीरीज हो गया, ये एज गुड एज नहीं आते हैं. मेरे पास पैक्ड में फुल साइज भी मिल जाएंगे. तो क्या प्राइस पॉइंट पे देता है सर ये? ये जो MRP चल रही है उनसे समझ लो एटलीस्ट 20-25% डिस्काउंटेड रेट पे होते हैं. सील पैक होते हैं तो जल्दी खराब भी नहीं होते हैं. विद वारंटी? विद वारंटी, विद एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वारंटी. क्या बात है. सो जो लोग के पास ऑलरेडी मैकबुक है, जो लोग मैक यूजर्स हैं बट फेसिंग सम प्रॉब्लम इन द मैकबुक, कुछ भी रीसेंट अपडेट्स की वजह से या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से, हमारा खुद का एक रिपेयर यूनिट है जहाँ पे चिप लेवल के रिपेयर्स होते हैं. यू हैव गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड है बेसिकली रिपेयर करने के लिए. हर चीज आपको ऑफिशियली एप्पल जैसा करके देता है, उस तरीके से मोस्ट ऑफ टाइम रिप्लेसमेंट्स हो जाते हैं. अगर वो बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो यू डोंट नीड टू स्पेंड 40,000 एप्पल में जाके, आपका काम 6-7 हज़ार में भी हो जाता है. जिसपे वारंटी भी मिल जाती है, जिसपे अगेन आपका मशीन बैक टू लाइफ हो जाएगा. हमारे वाइड रेंजेस ऑफ कस्टमर है जिन्होंने मशीन बोर्ड एप्पल से कोटेशन लिया 50-60 हज़ार रुपए का. दे हैव गॉट देयर लैपटॉप फिक्स्ड फॉर जस्ट 10,000 रुपीस. बहुत खुश हैं और क्या बात है सर, ये तो बहुत मजेदार चीज बता दी. तो गाइस मैक फ्रिक्स में रिपेयरिंग शॉप भी है, यानी कि रिपेयरिंग का भी काम होता है एप्पल प्रोडक्ट्स. अब लैपटॉप अपनी रिपेयर करवा सकते हो, जहाँ 50,000 का कॉस्ट लगता है सर्विस सेंटर से, वहां पे सिर्फ आप 5 से 10 हज़ार में अपना काम करवा सकते हैं. ये तो सर बहुत जबरदस्त चीज न्यूज आपने दे दी है मैक फ्रिक्स की, बढ़िया है सर. मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं वो जैसे अगर एप्पल में फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन का डिस्प्ले काउंट करो, तो अगर वो एप्पल में आपका मान लो डिस्प्ले फूट गया फॉर एक्सवाइजेड रीजन या कुछ फिजिकल डैमेज हो गया, एप्पल वाले जो आपको 47,000 का बेस कोटेशन देते हैं फॉर डिस्प्ले रिप्लेसमेंट विद 3 मंथ ऑफ वारंटी, वी डू द सेम एट जस्ट 30,000 रुपीज. ऑल्दो वो ऑथेंटिक डिस्प्ले होता है 100% ओरिजिनल, उसमें कुछ ये नहीं है. बस जो जिस तरह से आपका मशीन है ओवरऑल जो वर्क वे ऑफ वर्किंग है उस पर अडेप्ट होने में उसको 2-3 दिन लगता है. बट एनीवेज दैट्स 100% जेन्युइन डिस्प्ले हमारे तरफ से, पूरी तरफ से ऑब्जर्वेशन में क्लियर होने के बाद ही देते हैं, तो आपको फील भी नहीं होता कि दिस इज समथिंग एप्पल से नहीं होकर आया था. एवरीथिंग इज टाइड अप, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. ग्रेट है सर, ग्रेट है सर. मैक फ्रिक्स का एड्रेस जरा डेमोंस्ट्रेट कर दीजिए. ओके, सो ये मुंबई में है, वी आर बेस्ड इन मुंबई, विक्रोली ईस्ट में हमारा शॉप है, टैगोर नगर में. अगर आप गूगल पे भी सिर्फ मैक फ्रिक्स डालेंगे तो आपको लोकेशन एंड ऑल सारा कुछ मिल जाएगा, वरना यहाँ का लैंडमार्क इज रूबी हॉस्पिटल. ओके, यहाँ पे से जस्ट क्लोज में ये 6-7 शॉप्स आगे, तो इट्स क्लोज बाय देयर. एंड अगर आप आने का प्लान करते हैं तो देर आर सर्टेन नंबर्स, आप उन पे कॉल करके या कोऑर्डिनेट करके फिर प्लान कर सकते हैं विजिट का. सो गाइस दिस वाज मैक फ्रिक्स, और सारे व्यूअर्स के लिए विजिट करना है, जरूर विजिट कीजिए. वैसे एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ. डन है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. और गाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज हम ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. अभी के लिए आप वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं और डू सब्सक्राइब और फॉलो द चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.